दूसरी बार मां बनने वाली है रसोड़े में खाली कुकर चढ़ाने वाली राशि। पोस्ट शेयर कर ऋचा हसनीस ने फैंस को दी ये खुशखबरी। टेलीविजन की मशहूर जोड़ी देविना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने हाल ही में अपने आने वाले दूसरे बच्चे का ऐलान किया है। इसी बीच टीवी इंडस्ट्री से एक और एक्ट्रेस के मां बनने की खबरें सामने आई हैं। खबर है कि साथ निभाना साथिया में राशि का किरदार निभाकर घर घर में पॉपुलर हुई एक्ट्रेस ऋचा हसनीस दूसरी बार मां बनने वाली हैं। इससे पहले साल 2019 में ऋचा ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की खुशखबरी ऋचा ने बेहद ही खास अंदाज में फैंस के साथ शेयर की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बेटी की एक तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में ऋचा की बेटी कैनवस पर बिग सिस्टर लिखती नजर आ रही थी। फैंस के साथ अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की खुशखबरी शेयर करते हुए ऋचा ने कैप्शन में लिखा, अधिक प्यार करने के लिए एक और। ऋचा के इस पोस्ट पर फैंस के साथ साथ सेलिब्स ने भी उन्हें दूसरी बार मां बनने की बधाई दी है। ऋचा की को स्टार और एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में हार्ट इमोजी शेयर किया है। एक्ट्रेस काजल पिस्सल ने लिखा, बधाई हो। वहीं एक्ट्रेस अदा खान ने लिखा, माशाल्लाह बधाइयां। इसके अलावा भी कई सारे फैंस और सेलिब्स ने ऋचा हसनीस की खुशी को बांटते हुए उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। आपको बता दें कि ऋचा हसनीस ने टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में राशि मोदी का किरदार निभाया था। इस कैरेक्टर ने ऋचा को घर घर में लोकप्रिय बना दिया था। हालांकि इतना फेम मिलने के बाद भी ऋचा ने अपने घर को संभालने के लिए शो को बीच में ही छोड़ दिया था। जी हाँ, ऋचा का नाम उन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने अपनी फैमिली लाइफ के लिए सफल करियर को भुला दिया। साल 2014 में जब ऋचा ने सीरियल साथ निभाना साथिया को छोड़ा, उस वक्त उनका शो टेलीविजन जगत के सबसे सफल शोज में से एक था। राशि मोदी के रोल में ऋचा को काफी पसंद किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2014 में ऋचा ने अचानक अपना शो छोड़ दिया। 2014 में ऋचा ने एक्टिंग छोड़ अपने बॉयफ्रेंड राहुल जगदाले के साथ शादी कर ली थी। राहुल जगदाले के साथ सगाई के बाद ही ऋचा ने शो को अलविदा कह दिया था। शो में राशि मोदी के रोल की मौत दिखाकर उनके किरदार को खत्म कर दिया गया था। सीरियल छोड़ने के वक्त ऋचा ने कहा था कि एक्टिंग उनका शौक है, प्रायोरिटी नहीं। इसके बाद 26 जनवरी 2015 को ऋचा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल जगदाले के साथ शादी कर ली और शादी के 4 साल बाद यानी कि 10 दिसंबर 2019 को उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। फिलहाल वो छोटे पर्दे से दूर अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हैं। बता दें कि ऋचा अपने छोटे से परिवार के साथ मुंबई के ठाणे में रहती हैं। ठाणे में उनका खूबसूरत घर है। शादी के बाद ऋचा दुनिया के अलग अलग देशों को एक्सप्लोर करने में लगी हुई हैं। वो अक्सर अपने पति राहुल के साथ देश विदेश में घूमते हुए अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इसके साथ ही वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर कर फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। वहीं अब हाल ही में दूसरी बार मां बनने वाली खबर शेयर कर ऋचा एक बार फिर से खबरों में छा गई हैं। हर कोई उनके दूसरी बार मां बनने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।